सो दोस्तों, आज है पूजा का लास्ट डे। और क्योंकि मैंने पहले भी बताया, हमने 5 दिन का यहाँ पे पाठ रखा हुआ था, जो कि नवरात्रि के, जब भी नवरात्रि होती 9 दिन के, तो कोई 3 दिन का या 5 दिन का या 7 दिन का या पूरे 8-9 दिन का नवरात्रि करते हैं, पाठ करते हैं। तो हमने यहाँ पे 5 दिन का पाठ कर रखा हुआ था, करा है मतलब। तो आज लास्ट दिन है, और आज कंचिका भी है, जो कि बाहर शहर में कंचिका करते हैं सिर्फ, तो वो भी है आज। तो यहाँ पे लास्ट दिन जब पाठ करते हैं, तो लास्ट दिन यहाँ पे गाँव वालों को खाना दिया जाता है। तो पंडित लोग आते हैं दाल भात बनाने, मतलब चाहे आपको पूरी चूड़ी भी दे सकते हैं या दाल चावल भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम दाल चावल बनाएंगे, तो वो प्रॉपर तरीके से, मतलब पंडित जी बनाएंगे उसको खाना। तो सब्जी और दाल तो सारे चाचा ताऊ अपने गाँव के बनाते हैं, लेकिन जो चावल होते हैं तो उनको सिर्फ पंडित जी बनाते हैं, वहाँ पे बाकी लोगों को नहीं जाने देते हैं। तो पंडित जी और अभी चावल वावल की व्यवस्था कर रहे हैं, अभी आए नहीं हैं वो, तो सिर्फ चावल बनाएंगे। तो ये गांव के भाई चाचा और ये बनाते हैं यहाँ पे दाल और सब्जी। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे बन रही है ये सब्जी, ढेर सारी सब्जी काट के रखी हुई है और यहाँ पे सब्जी बना रहे हैं। तो इससे उसके बाद हम यहाँ पे आ गए हैं माता रानी का श्रृंगार करने, और माता रानी का आज माता रानी लास्ट दिन माता रानी का भी। तो माता रानी अपने स्थान में चले जाएंगे ऊपर गांव में, तो आप देखना वीडियो में बने रहना। तो यहाँ पे पहले माता रानी का स्नान किया जाएगा, जो हमारी देवी है और जो हम ऊपर गांव से जाते हैं, जो कुल देवी है सबकी, तो उसको भी लाया जाता है जब हम पाठ करते हैं 3 दिन या 5 दिन का। तो आज दोनों का स्नान होगा, दोनों का यहाँ पे श्रृंगार होगा, और बड़े सुंदर से श्रृंगार करके माता रानी को सजा के और फिर यहाँ से पूजा करेंगे। तो आप बने रहना वीडियो में और देखना कि हमारे यहाँ कैसे कैसे करते हैं और कैसे हमारे यहाँ का प्रक्रिया है। आप बने रहना वीडियो में, चलते हैं पहले ऊपर की मूर्ति है कुल देवी, उनको नहला दिया है। तो अब ये मतलब हमारी एक अपनी मूर्ति है माता रानी की, और एक कुल देवी है जो सबकी है, तो उनको जरूर लाया जाता है जिसका भी पाठ होता है। तो यहाँ पे दोनों की दोनों का श्रृंगार हो गया है, और अब यहाँ पे थोड़ी देर पूजा वूजा होगी, और उसके बाद देखना कैसे कैसे क्या क्या होता है। हेलो गाइस, मेला मंगल मंडली ग्राम पलाटी, ये तो ऊपर बैठे हुए हैं, इनकी टांगे ज्यादा पास हो। कोई नया लगा दो, कोई पैर पिछले अब इनको खाना दो, दिया तो क्या क्या प्लेट से आप भी बोल रहे हैं।
अरे वो तो रक्षक है ना, ये दीप यहाँ के इन्हीं के साथ है वो। ये यहाँ बैठो नवरात्रि होते हैं तो ऊपर गांव में जो परमानेंट देवी है उनको लाया जाता है, तो हमारा है 5 दिन का पाठ, तो हम उनको छोड़ने जा रहे हैं। अभी बोलो जय माता दी, अरे बोलो जय माता दी, बोलो जय माता दी, बोलो राज जय माता दी।
टेढ़ा मेढ़ा बाटो आ मेरी दुर्गा माँ जा मेरी दुर्गा माँ जा मेरी दुर्गा माँ जानी वाली दुर्गा माँ। तो हम सब छोड़ने जा रहे हैं माता को माता के स्थान पे। तो हमारे गांव में जब भी पूजा होती है किसी का नवरात्रा होता है तो हम माता को गांव से लाते हैं और सारे जाते हैं नंगे पैर छोड़ने माता के जयकारे लगाते हुए। माता दी जय माता दी जय माता दी सारे बोलो। माता के हाथों में कंगन विराजे माता के हाथों में कंगन लटकन पे ओम लिखा है कंगन की लटकन पे ओम लिखा है ओम लिखा है हरि ओम लिखा है ओम लिखा है हरि ओम लिखा है। माता के अंग में साड़ी विराजे माता के अंग ओम लिखा है हरि ओम लिखा है। माता के पैरों में पायल विराजे माता के पैरों में पायल विराजे पायल की चम चम पे ओम लिखा है पायल की चम चम पे ओम लिखा है ओम लिखा है हरि ओम लिखा है। माता दी माता की चम चम पे ओम लिखा है ओम लिखा है हरि ओम लिखा है। तुम बोलो मैं गला सूख गया। हाँ अब मैं बजा हमें सभी और जोन में जो खड़का थे आचिन जयकारे लगाते हुए कट हो जाता आओ आओ जय माता दी जय माता की। सारे नंगे पैर चल के आए हैं और किसी के पैरों में कांटा नहीं चुभा है कांटा चुभा किसी के पैरों में मेरा चुभ गया मेरा चुभ गया गाइस। तो ये सारी भीड़ देख सकते हैं माता को छोड़ने जाती है ऐसे। हम गांव तो यहाँ ऊपर हमारा पुराना गांव बहुत पहले हम तो नहीं रहे पर बहुत पहले ये देवता का मंदिर है यहाँ पे तो यहीं रहते हैं देवता मतलब माता रानी हमारी। तो जब भी नीचे गांव में कोई पूजा पाठ होती है तो लोग यहीं से माता को बड़े स्वागत से ले जाते हैं जो कि काफी अच्छा लगता है। जिस दिन लाते हैं उस दिन तो इतना अच्छा लगता है लेकिन जिस दिन चली जाती है माता जिस दिन माता चली जाती है ऊपर छोड़ने चले जाते उस दिन सब रोने लग जाते हैं बहुत ही बुरा लगता है। तो दिखाती मैं आपका आपको आपको दिखाती मैं अभी माता का मंदिर मतलब माता की जहाँ पे माता विराजमान रहती है। ये है इन भाई और का घर। तो यहाँ पे पहले वो डिंडे आदि हो ही करती थी मतलब वो नहीं होते वो पहले पुराने घर
तो वो होते थे यहाँ पे, तो अब इन्होंने ऐसे अच्छा सा बना दिया है और इसी के ऊपर रहते हैं। माता यहाँ परमानेंट रहती है ऊपर, तो मैं माता का तिवारी हो या करते हैं। तो अब इन्होंने ये ऐसा घर बना दिया माता रानी का। सारे भक्तगण हैं, देखो नंगे पैर आए हैं सारे। तो यहाँ पे पहले था पुराना घर, चाची औरों ने ऐसा बना दिया। तो यहाँ ये माता का मंदिर ये परमानेंट है, चाहे ये जैसा भी अच्छा बने लेकिन ये ऐसे ही रहते हैं। तो यहाँ से ले जाते हैं माता को जब भी जिसका पूजा पाठ होती है। पंडित जी हमारे अब पहुंच रहे हैं बहुत ही स्लोली आ रहे हैं स्लोली। तो हम कब के आ गए थे यहाँ का, देखो कितना सुंदर व्यू आ रहा है, ये देखो बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा है। कितने व्यू आ रहे हैं बेटा, ये गेहूं कटे हुए आजकल, तो इसकी अब गांव में करते हैं कुटाई मड़ाई से है। इस गुनु पैर जल रहे हैं, ये देखो ऐसे ही सारे पलायन हो चुके हैं। ये है हमारा गांव, पुराना गांव, हम तो नहीं रहे हैं यहाँ लेकिन हम आया करते थे इधर। ये देखो, और ये देखो सारे खंडर हो चुके हैं गांव। सिर्फ यहाँ पे एक यही भाई और रहते हैं क्योंकि इन्होंने इतना बड़ा मकान बना रखा है यहाँ पे, तो इसको छोड़ नहीं सकते। वैसे तो इनका दूसरी जगह भी है पर फिर ये रहते हैं यहाँ। और मैं दिखाती हूँ हमारा था, हम रहे नहीं यहाँ, और मैं दिखाती हूँ कौन सा था हमारा जब मेरे पापा और रहते हैं। ये वाला था, ये वाला है, ये हमारा पुराना गाँव है, पुराना घर है, मतलब बहुत पहले। तो दोस्तों हम माता को छोड़ने आए हुए हैं अपने राजराजेश्वरी है हमारे यहाँ की देवी माता। तो जब भी मैंने आपको पहले बताया कि जब भी हमारे यहाँ नीचे गांव में किसी का नवरात्रा या पाठ वगैरह होता है 9 दिन का या 3 दिन का या 5 दिन का, तो वो यहाँ से माता रानी को लेके जाते हैं बड़े स्वागत से ढोल दमाओं के साथ, जैसे कि आपने देखा ही होगा। और हमें इतना अच्छा लगता है ना, इसलिए कि हम भी सारे मतलब जिनकी शादी हो रखी है, हम लोग जैसे ध्यानियाँ हैं तो हम आते हैं जब भी पूजा होती है अपनी पर्सनल, तो हम आए हैं यहाँ पे
वैसे तो कोई चांस ही नहीं थे आने के, लेकिन माता रानी ने डोर लगाई तो हम आए हैं यहाँ अपनी पूजा में। तो आज हमारा यहाँ पे चौथा दिन है, मेरे को चार दिन हो गए हैं यहाँ पे, और वीडियो मैं बना रही हूँ लेकिन अपलोड नहीं कर पा रही क्योंकि यहाँ नेट की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, और आजकल जब भी वो मतलब पूजा पाठ कोई काम होता तो टाइम नहीं लग पाता है, तो उस वजह से मैं अभी अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, वीडियो एडिटिंग कर नहीं पा रही हूँ। तो मैं जब भी मतलब दिल्ली जाऊँगी यहाँ से तो मैं आपको यहाँ के गांव की जो भी मैंने पूरी वीडियो बनाई है, जो जो भी यहाँ मस्ती करी हमने जो भी करा, तो मैं वो आपको ज़रूर दिखाऊँगी। आप वीडियो ज़रूर देखना, और आपको आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी क्योंकि गाँव की वीडियो इतनी अच्छी बनती हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि ये फ्लाटी गाँव है, पुराना गाँव है ये, तो यहाँ पर लोग सारे पलायन हो चुके हैं यहाँ से, सब ने बना दिया, नीचे जहाँ हम रहते हैं वहाँ बना दिया सब ने, क्योंकि वहाँ पे अच्छी सुविधा है, सड़क भी नज़दीक है, पुल है, मार्केट है, सब कुछ नज़दीक है। तो यहाँ से तो काफ़ी दूर जाना पड़ता है मार्केट के लिए। ये उधर देख रहे हैं वो हमारा स्कूल है, वो सामने दिख रहा होगा आपको, वो स्कूल है हमारा, हमने वहाँ पढ़ा है, वो देख सकते हैं आप, ये मेरा स्कूल, पाँचवीं तक पढ़ा है मैंने उस स्कूल में। तो यहाँ से काफ़ी दूर है मार्केट, तो ये लोग सारे पलायन हो चुके हैं यहाँ से, नीचे चले गए हैं। तो हम तो यहाँ रहे नहीं, पर जो भी मेरे मतलब मिप्ता जी और मेरे पापा और जो भी दादा वगैरह रहते थे तो वो यहाँ रहते थे, ये वाला घर है हमारा, ये वाला है, बाकी ये चाचा और जिनका भी है, ये चाचा वगैरह अपने जो होते हैं भाई तो उनके हैं, ये सारे खंडर हो चुके हैं। ये देखो ऐसे घर होया करते थे, देख रहे हैं आप, तो ऐसे भी घर होया करते थे, इसमें भी रहे हैं लोग, ऑलमोस्ट रहे हैं यहाँ पे भी। आज इन खंडर हुए हुए घरों को आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि यहाँ पे भी कोई रहा होगा, लेकिन यहाँ रहे हैं। तो यहाँ के सारे पलायन हो चुके हैं, नीचे जाए जहाँ मैंने बताया कि जहाँ हम रहते हैं नीचे वहाँ चले गए, तो सिर्फ ये भाई और रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे बहुत बड़ा मकान बनाया हुआ है, ये देख सकते हैं 3 मंजिला, तो ये छोड़ नहीं सकते हैं यहाँ पे, ये देखो। तो अब हम माता को करेंगे विश्राम, माता जाएगी बनाई जाती है, फिर इनको काटा जाता है और फिर कूटा जाता है। तो ये सारे आ चुके हैं, आए हैं माता को छोड़ने। तो बच्चों आपको कैसे लगा, ये भी हमारे बच्चे नंगे पैर आए हैं, इनके पैरों में कांटे चुभ गए, पहली बार ये यहाँ नंगे पैर आए हैं, तो कैसा लगा बच्चों आपको, वो नहीं बोलेंगे कैसा लगा आपको। हाँ ये तो खैर, ये तो क्या शुरू से गाँव में रहे हैं, ये तो चलते हैं नंगे पैर, लेकिन ये नहीं चलते हैं तो इसलिए इनके पैरों में कांटे चुभ गए हैं। तो अब माता को करेंगे विश्राम। विराजमान हो चुका है और अब जाने लगे सब अपने ना यहाँ पे थोड़ा सी जल्दी लगे सब जाने लग गए हैं, खाया जाएगा भात। ये बिच्छू घास ये भाभी और अरे ये गेहूं, अच्छा गेहूं काट के रखे हुए, कब होगी इनकी गुड़ाई, कुठाई हमारे स्कूल रे। हाँ नंदी खाए तो अपना स्कूल वो रहा सामने हमारा स्कूल, हमने कक्षा 5 तक पढ़ा इस स्कूल में, हमने इस स्कूल में कक्षा 5 तक पढ़ा। ये हमारी ये बात भाई और का ही है इनके गेहूं, तो चलते हैं हम नीचे, चलो बाय बाय।